ऐसा कोई उपाय जिससे एक घोड़े की लीद मुझे खाना ना पड़े। राजा पृथु पूछ रहे हैं संत से कि ये घोड़े की लीद मुझे ना खाना पड़े, इसका कोई उपाय? यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताओ। कहा, जब आप राजभवन में जाएं और आपके नगर के लोग यदि आपकी बुराई करें, आपके लिए अपशब्द कहें, निंदा करें, तो आपका पाप उनके खाते में चला जाएगा। आप लीद नहीं खाओगे, वो घोड़े की लीद उनके हिस्से में चली जाएगी जो आपकी निंदा करते। आपको कितना बुरा लगता है संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कर दे तो बुरा लगने लगता है ना? उस समय पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पाप का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके खाते में चला गया है। आपको यह प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा पाप का हिस्सा दूसरे के खाते में पहुंच गया। गाली देने वाले को क्या लगता है, उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया? नहीं। देने वाले को क्या लगता है, उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया? नहीं। मेरे हरि विट्ठल की ये पवित्र भूमि से चंद्रभागा माँ के पवित्र चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर शिव महापुराण की कथा कहती है। गाली देने वाला ये कभी ना सोचे, अपशब्द कहने वाला ये कभी ना सोचे कि तू गाली बककर बड़ा हो गया, बल्कि ये विचार करना जिसको तूने गाली दी है, जिसको तूने अपशब्द कहा है, उसके सारे पापों को तूने अपने अंदर भर लिया। उसके सारे पाप, उसके सारे जितने भी दोष हैं, उस दोष को तूने अपने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रेम की जो वाणी है, अच्छी जो वाणी है, वो जीवन का एक सुख देने वाली है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई, वो संत का नियम था सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था, उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो। कितने की होगी? 25 की तो होगी। 10-25, 40। हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ के नमक लेकर चले गया। संत शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था, शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता था। संत गए, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया महादेव जी। साहूकार गया अपनी दुकान पर, बेटे से पूछा क्यों बेटा, क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा, ये बेचा, और एक संत आए थे, नमक मांग रहे थे, यहीं नदी के तट पर रहते हैं, यहीं नदी के तट पर रहते हैं। अरे वो तो रोज का काम है, उसका तो मांगना, रोज का काम है उसको मांगना, अपने गांव के ही तो संत है, हाँ रोज मांगने आता है वो तो थोड़ा थोड़ा सामान, आज क्या मांग के ले गया? नमक मांग के ले गया, दे दिया। हाउ? कौन से डब्बे में से दिया? इस डब्बे में से दिया।
जैसे ही कहा इस डब्बे में से दिया, साहूकार की आंख में जल भर गया। वो डब्बे में नमक नहीं था, उसमें जहर था। जहर? बेटा तूने गलती कर दी। साहूकार तोड़ा संत के दरवाजे पर। संत ने तो भोजन बनाकर महादेव को भोग लगा दिया था। महादेव को भोग लगाकर संत भोजन की थाली लेकर पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था, इतने में साहूकार पहुंच गया। बाबा जी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसको मत पाओ, ये भोजन में जहर है। मेरे लड़के से गलती हो गई, नमक की जगह जहर उसने दे दिया। उसको मालूम नहीं था पहली बार दुकान पर बैठा था, पहली बार दुकान पर बैठा था, उससे गलती हो गई। बाबा क्षमा कर दो। नहीं, मेरे महादेव को मैंने भोग लगाया है, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जब मेरा महादेव खा गया तो मैं कैसे रह सकता हूं। रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ उस संत ने खाया। साहूकार को लगा अगर मर गया तो मेरे माथे आएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूं, अगर इसके थोड़ा भी इसको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, तो मैं इसको उठाकर वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संत बैठ गया, संत ने भोजन करा, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा, संत सोते रहे। सवेरे संत उठे, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाने लगे। साहूकार को लगा संत के प्राण बच गए। साहूकार भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए गया मंदिर में। बाबा आपने बड़ी करुणा करी, जो संत के प्राणों को बचा लिया। ऐसा कहने के लिए वो मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचा, शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने पहुंचकर क्या देखता है कि शंकर जी के शिवलिंग के दो टुकड़े हो गए थे, शिवलिंग टूट गया। गले में डाला हुआ रुद्राक्ष, घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग, कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर, अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल ली। रुद्राक्ष, शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग रुद्राक्ष, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो, वो तुम्हारे कवच है, पाल बांका नहीं होने दो। लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, तब रुद्राक्ष पहनते हैं। तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं, दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है, तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकाल लें, पहनेंगे, बच्चों को पहनाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े निकाल के रखो। जैसे ही ठंड गई गर्म कपड़ों को बंद कर रख दिया जाता है, फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए। साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर, तो देखा तो महादेव के दो टुकड़े थे। साहूकार ने कहा गुरुजी, आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए। खुद क्या ऊपर लेकर, घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है, समझ लेना तुम्हारे घर में कोई विपदा थी, जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है, और वो आपको स्वच्छ। बेटा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर,
आपूर्ति मैनेजर का बेटा म्यूचुअल फंड्स ब्रो।